नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी न्यूज़ में मैं सेन भारती आज हम बात करेंगे बिहार स्वास्थ्य विभाग में निकली वैकेंसियों के बारे में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड यानी कि बी सी ई सी ई बी ने स्वास्थ्य विभाग में सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के पद के लिए भर्ती की सूचना जारी की है योग और इच्छुक उम्मीदवार बिहार सीनियर रेजिडेंट भर्ती दो के लिए सात जून से बीस जून दो तक बी सी ई सी ई बोर्ड डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आइए इसके लिए क्या क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसे हम विस्तार से जानते हैं तो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि जो है सात जून दो हज़ार इक्कीस है वहीं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है बीस जून दो हज़ार इक्कीस है पंजीकृत उम्मीदवार के ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान की अंतिम तिथि जो है इक्कीस जून दो हज़ार इक्कीस की रात ग्यारह बजकर उनसठ मिनट तक है आवेदन पत्र का ऑनलाइन संपादन यानी कि जिसे हम कहते हैं फॉर्म भरने के बाद एडिटिंग करना वह 22 जून 2021 से 23 जून 2021 तक के लिए है और ये रात को ग्यारह बज के मिनट तक के लिए आप यह सुविधा दी गई है अंतिम एडिट लिस्ट की सूची या फिर प्रकाशन अपलोड करने की तिथि बाद में अधिसूचित की जाएगी आपत्तियां प्राप्त करने की तिथि भी बाद में जो है अधिसूचित की जाएगी काउंसलिंग दस्तावेज सत्यापन की प्रस्तावित तिथि जो है बाद में अधिसूचित की जाएगी अब हम जान लेते हैं इसका आवेदन जो है हम कैसे करें योग और इच्छुक उम्मीदवार इन चरणों में स्वास्थ्य विभाग के तहत सीनियर रेजिडेंट या फिर ट्यूटर के ऑनलाइन पोर्टल लिंक पर क्लिक करें जो कि भी उसका वेबसाइट है बी सी ई सी ई बोड डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन पर लॉग इन कर आवेदन कर सकते हैं सबसे पहले आप वहां पर जाएं तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाएं उसके बाद फिर पर पर्सनल जानकारियां जो आपसे पूछी जाएंगी उसे आप फिल करें उसके बाद फोटो और अपना सिग्नेचर जो है अपलोड करें उसके बाद आप अपनी शैक्षणिक जानकारियाँ जो आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसे हम कहते हैं वो पूछा जाएगा उसके बाद आप आवेदन को पूर्नावलोकन करें यानी कि एक बार फिर से आप पूरे जो फॉर्म है उसे आप देख लें उसके बाद फिर परीक्षा शुल्क का भुगतान करें हार्ड कॉपी को डाउनलोड कर लें कौन कर सकता है आवेदन नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों का आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी संस्थान में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इंडियन मेडिकल काउंसिल यानी कि आईएमए की ओर से प्रमाणित होना चाहिए जनरल कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र सैंतीस साल होनी चाहिए जबकि जनरल कैटेगरी की महिला और ओबीसी महिला और पुरुष उम्मीदवारों की उम्र जो है चालीस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए वहीं एस सी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है बयालीस साल तय की गई है रिजर्वेशन प्राप्त उम्मीदवारों की आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी तो ये थी सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर की वैकेंसी के बारे में इससे कुछ दिन पहले ही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह भी कहा है कि बिहार में नर्स और डॉक्टर दोनों की वैकेंसी आने वाली हैं तो ऐसे में हम ये समझ लें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बिहार में इस कोरोना काल में बम्फर वैकेसियाँ आ रही है और आने वाली है बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ मुझे दीजिए इजाजत धन्यवाद